18 और 19 की रात को 1:35 मतलब सुबह के टाइम पे हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को आगरा स्टेशन से एसी सेकंड और एसी थर्ड में यात्रा करते हुए लगभग 62.5 किलो गांजे के सामान के साथ अरेस्ट किया। इस गांजे की कीमत लगभग 4 लाख है, 4 लाख के आसपास है। इस गांजे की कीमत लगभग 4 लाख के आसपास है और जितने भी ये ट्रांसपोर्टेशन करने वाले व्यक्ति थे ये सभी अलीगढ़ और हथरस के रहने वाले हैं। जो गांजे का सामान है ये मुख्य रूप से सेकेंड और थर्ड एसी में ही ये पैसेंजर बन के आते हैं और आगरा, मथुरा और दिल्ली जैसे जगहों पे ये सप्लाई कर रहे हैं। पूछताछ में ये भी बताया गया है कि ये जो सामान है ये उड़ीसा और विशाखापट्टनम के क्षेत्र से लेके आते हैं। इसमें आगे की कार्रवाई करते हुए हमने ये किया हुआ है कि जीआरपी के साथ सबसे पहले इस चीज़ को साझा किया और उसके बाद फिर जो भी अभी हमने इन 5 अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस में अभी इनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। फर्दर इसमें इनका किस तरह से ये अपने सामान को लाते हैं, कहाँ बेचते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, इसके बारे में फर्दर इंक्वायरी की जा रही है और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हम इससे जुड़े हुए अन्य तमाम अपराधियों को भी अरेस्ट कर सकेंगे। एक्चुअली ये आगरा, केवल आगरा नहीं, आगरा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पे अपना गांजे के सामान को ये बेचते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आगरा में किस जगह पे ये बेचते हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये इंक्वायरी चल रही है। जैसे नशीला पदार्थ पकड़ा जा रहा है उससे ये तो साबित हो रहा है ना कि आगरा में नशीला पदार्थ सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ही पिछले 1 महीने से हम लोग अपनी सतर्कता बरतते हुए अपनी स्पेशल टीम इसमें लगा रखे थे, क्योंकि लास्ट मंथ ही ये डिटेक्ट हुआ था जैसे मैंने बताया, और आगे भी मुझे लगता है कि जल्दी ही अगर इस तरह के अपराधी इन चीज़ों से बाज नहीं आएंगे तो इनको फिर से तुरंत पकड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ी डिटेक्शन है 5 लोगों की और मुझे लगता है कि इससे इस तरह की जो तस्करी को बढ़ावा मिल रहा था उसमें ज़रूर कमी आएगी। ठीक है।